बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थ्योरम करेंगे। हमारे पास थ्योरम के फोर पार्ट हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। थ्योरम हमारे पास दी फील्ड एक्सियम इंप्लाई दी फॉलोइंग, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट है जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं सिंस जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू, हम इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने जीरो जीरो प्लस जीरो कर दिया। अब जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई अगर एक्स के इक्वल हो तो दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स के इक्वल होगा, वाई इधर प्लस जीरो है तो जीरो के, ठीक है। इस तरह ये वाला इसके इक्वल आ गया जीरो प्लस एक्स, इसको हम लिख देते हैं प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो प्लस एक्स किसके आएगा, जीरो के, इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकंड पे है इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो नंबर जो कि जीरो नहीं है तो उसका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट उसका प्रोडक्ट हम जीरो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। तो सिंस वन को हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्स वाई डॉट एक्स वाई, आपस में कैंसिल होकर वन दे देगा। तो एक्स वाई हमने क्या लिया हुआ है, जीरो है, तो जीरो लिखा बिकॉज एक्स वाई जीरो है, ठीक है। ये जो यही है मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन जीरो के बराबर नहीं होता, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। सो मान लो पहले वाला ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। नंबर थर्ड पे है माइनस एक्स वाई इज इक्वल, ये बराबर है माइनस इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस वाई, ठीक है। इस थर्ड पार्ट में सिर्फ माइनस का चक्कर है, माइनस को आगे पीछे करना है। पहले आपने माइनस एक्स के साथ लगानी है, दूसरे में माइनस आपने वाई के साथ लगानी है, तीसरे में आपने माइनस बाहर ले लेनी है। अब जो पहला हमने किया, हम जानते हैं कि माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लिया, ये दोनों जमा करेंगे तो जीरो हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो। पहले में हमने इधर माइनस लगाई थी, अब हम माइनस इधर लगाएंगे, एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई, इन दोनों में से एक्स को कॉमन लिया, जीरो आ गया, ठीक है। थर्ड में हम माइनस बाहर लगाएंगे, यानी पहले में एक्स के साथ, दूसरे में वाई के साथ और तीसरे में बाहर, ठीक है। हम जानते हैं कि इन दोनों को जमा करेंगे भी तो जीरो। अब हम क्या करेंगे, पहली और टू को कंबाइन करेंगे। पहली क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये जो हमने हल की थी, दूसरी ये, इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर कर लिया, ठीक है। हम ये एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई, ये वाई टर्म और ये वाई टर्म बच जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने फोर कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंबाइनिंग टू एंड थ्री, तो हमने इक्वेशन नंबर टू और थ्री को कंबाइन किया। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा। अब फोर और फाइव से, अब हम जानते हैं अगर ए इज इक्वल टू बी हो, बी इज इक्वल टू सी हो, तो ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, फोर और फाइव में। ये देखिए माइन ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये आपस में तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया। फोर्थ है माइनस एक्स माइनस वाई इंटू, ये भी ब्रैकेट में माइनस एक्स है, ये भी माइनस वाई है ब्रैकेट में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्स वाई आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें से माइनस निकाल लिया, एक्स इंटू माइनस वाई, आप देखेंगे किसके बराबर है, माइनस एक्स वाई। तो ये माइनस एक्स वाई इस माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, हमने थ्री को यूज किया, ये मैंने इधर लिखा है, ठीक है। ये जो मैंने रियल एनालिसिस की न्यू सीरीज शुरू की है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर आप मुझे सबसे ज्यादा और सही जवाब देंगे तो मैं आपको वन मंथ फ्री ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिसकी कैलकुलेशन वीडियो के आखिर में होगी। और इसकी ये कंटिन्यूस ऑफर है, हर मंथ वन पर्सन उसे फ्री ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकता है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने बताना है कि वन ओवर जीरो और जीरो ओवर वन में क्या डिफरेंस है, ये आपने मुझे बताना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था फील्ड के बारे में। तो अगर एक सेट फर्स्ट कीजिए, हमारे पास सेट ए फील्ड है, तो वो एडिशन के लिहाज से अबिलियन होगा, एडिशन के लिहाज से वो अबिलियन होगा। उसमें से जीरो को निकाल दें तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अबिलियन होगा, और वो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडिशन रखेगा। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज वो रखता है तो वो सेट क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। इस वीडियो में आपने इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और आप मुझसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, मैं इंशाल्लाह उसे बनाने की कोशिश करूंगा। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश की, अपने वालदैन की इज्जत कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।